मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। दसवीं कक्षा का हम हिंदी पढ़ रहे हैं, व्याकरण। और व्याकरण में पढ़ रहे हैं पद परिचय। पिछली क्लास में हमने पद परिचय में पद क्या है, पद कैसे बनता है, शब्द से पद बनता है, फिर पद का परिचय किस तरह देते हैं, हमने इसको पढ़ा था। अब आगे संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में, विशेषण में पद परिचय का उपयोग कैसे करते हैं, हम इसको देखते हैं। अब है कि पद परिचय के लिए क्या आवश्यक संकेत है, कि हम किस माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि यह संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्या। तो पहला है इसमें संज्ञा। संज्ञा में आते संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ उसका संबंध। फिर है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ सर्वनाम का संबंध। फिर है विशेषण के भेद, लिंग, वचन और विशेष। क्रिया, क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया हो रही है, अकर्मक क्रिया हो रही है, उसका वचन क्या है, लिंग, काल, वाच्य, प्रयोग, कर्ता और कर्म का उल्लेख। फिर है क्रिया विशेषण, इसके भेद और किस प्रकार क्रिया की विशेषता बताई गई है उसका निर्देश। संबंध बोधक भेद, संबंधी शब्द का निर्देश। समुच्चय बोधक भेद, योजित शब्द का उल्लेख। और विस्मयादि बोधक भेद, आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय आदि। अब बच्चों हम आगे देखते हैं कि संज्ञा शब्द का परिचय क्या है। तो किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु कुछ बातें हैं हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो संज्ञा शब्द के पद परिचय में हमको निम्नलिखित पांच बातें ध्यान में रखना चाहिए। पहला कि संज्ञा का प्रकार क्या है, संज्ञा का प्रकार क्या है। दूसरा उसका लिंग। फिर है वचन, कि कौन से वचन में है, बहुवचन है, एक वचन है, अगर एक के लिए होता है तो वह एक वचन, एक से अधिक या अनेक लोग होते हैं तो वह वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। फिर कारक शब्द और उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है, उस संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है, हमें इन पांच बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं कि संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। कौन सा, के अनुसार, के अनुसार जाना जा सकता है संबंध। पहला है उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, क्रिया कर रहा है पढ़ने की, और क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, राम पुस्तक पढ़ता है। फिर है उक्त वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञा है। राम क्या हो गई, संज्ञा, और पुस्तक क्या हो गया, संज्ञा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संज्ञा शब्द का परिचय। यहाँ इनका परिचय उक्त पांचों वाक्यों के अनुसार निम्न प्रकार से होगा। अभी हम उदाहरण में देख रहे हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें राम और पुस्तक हो गई संज्ञा। राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, पुल्लिंग हो गया, लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो राम हो गया पुल्लिंग। फिर एक वचन है क्योंकि राम अकेला है, तो एक वचन कर्ता कारक है, पढ़ता है क्रिया, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया, पढ़ाई कर रहा है और क्रिया का कर्ता हो गया ना। अब पुस्तक शब्द हो गई, पुस्तक हो गई, ये हो गई जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक जातिवाचक।
और नाम क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब पुस्तक क्या हो गई? लिंग नाम हो गया पुरुषलिंग और ये हो गई पुस्तक स्त्रीलिंग। एक वचन कर्म कारक पढ़ता है क्रिया का कर्म। कर्म क्या हो गया? पढ़ता है। ये हो गया उसका क्रिया का कर्म। अब हम आगे देखते हैं कि विशेषण शब्द का परिचय क्या है। अब हम देखते हैं बच्चों सर्वनाम शब्द का परिचय। तो किसी सर्वनाम के पद परिचय निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना होता है जब हम सर्वनाम शब्द का पद परिचय करते हैं। तो पहला क्या है? सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित। दूसरा है लिंग। तीसरा है वचन। चौथा है कारक और पांचवा है क्रिया के साथ संबंध आदि। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया। उदाहरण क्या है कि यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। अब हम देखते हैं कि इस वाक्य में यह उसकी जिसे तथा कोई पद सर्वनाम है। जैसे इस वाक्य में यह उसकी जिसे और कोई पद सर्वनाम है, इनका पद परिचय इस प्रकार से होगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध कारक, ये सब है ना सर्वनाम के प्रकार। तो यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह निश्चयवाचक ये सर्वनाम, ये सर्वनाम के एक है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंध कारक। फिर पुरुष कौन सा हो गया? अन्य पुरुष हो गया। कार है तो स्त्री, एक वचन का है, संबंध कारक है, कार संज्ञा शब्द से संबंध है। इसमें कार क्या है? संज्ञा जिसे संबंधवाचक सर्वनाम स्त्री एक वचन, कर्म कारक चुरा कर ले गया, चुरा कर ले गया, ये हो गया क्रिया का कर्म। क्रिया का कर्म चुरा कर ले गया, ये हो गया क्रिया का कर्म। कोई कोई कहा है? जिसे कोई चुरा कर ले गया। यह अनिश्चय वाचन कि कोई, ये तो निश्चित नहीं है कि कौन चुरा के ले गया। यहाँ पर ये हो गया कोई शब्द अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर पुरुष आ जाएगा, अन्य पुरुष। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक चुरा कर ले गया, यह हो गया क्रिया का कर्ता। अब हम इसी में आगे देखते हैं कि विशेषण शब्द का परिचय क्या है। तो किसी विशेषण शब्द के परिचय हेतु भी उन्हीं पांच बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं पांच बातों का उल्लेख करना चाहिए जो हमने संज्ञा और सर्वनाम के पद पर चले। पहला है विशेषण का कौन सा प्रकार है, उसकी अवस्था, लिंग, वचन, विशेष और उसके साथ संबंध। तो वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। उदाहरण है, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। का वध कर दिया। उदाहरण हो गया वीर राक्षसों, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। अब इस वाक्य में वीर सब शब्द विशेषण है, इन सब का पद परिचय निम्नलिखित होगा। वीर ये हो रही विशेषता, ये हो गया, ये विशेषण हो गया। ये विशेषता बता रहे कि राम ने कैसे, राम ने, राम तो है पर राम वीर राम ने, है ना,
कि राम के वीरता का गुण, गुणवाचक ये हो गया वीर, गुणवाचक विशेषण। मूल अवस्था में है ये, फिर है वो पुल्लिंग एक वचन है, और राम विशेष के गुण का बोध कराता है। राम विशेष के गुण का बोध कराता है, कौन सा है ये? एक वचन का हो गया। वचन कौन सा हो गया इसमें? एक वचन। लिंग हो गया पुल्लिंग। ठीक है, अब है सब, तो संख्यावाचक विशेषण सब हो गया, ये हो गया संख्यावाचक, सबका कर दिया, ये सब शब्द है संख्यावाचक विशेषण। कैसे? सब राक्षसों का, इसलिए संख्यावाचक। अवस्था ये भी मूल अवस्था में है, ये भी पुल्लिंग है, पर वचन क्या हो गया? बहुवचन। ये कौन सा वचन हो गया इसमें? सब में बहुवचन, क्योंकि और राक्षसों का विशेष की संख्या का बोध कराता है। अब आप इसमें आगे देखते हैं कि क्रिया पद का परिचय क्या है। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, एकवचन, वाचिकार और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को भी बतलाया जाता है। जैसे उदाहरण है कि राम ने रावण को मारा, उदाहरण राम ने रावण को मारा, क्या है क्रिया के पद में? लिंग, वचन, वाचिकार और वाक्य में प्रयुक्त जो अन्य शब्दों के साथ संबंध को यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर आ गया मारा। मारा क्या है? क्रिया। मारा है ये क्रिया, ये है सकर्मक क्रिया तो है, पर कौन सी है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पुल्लिंग है और वचन एक वचन है। कौन सा वचन है इधर पर? एक वचन, क्योंकि तो राम ने रावण को मारा, कृतवाच्य है। और यहाँ पर काल है भूतकाल में, कि हम ये क्या है भूतकाल में, पुरानी जो अतीत, अतीत को भूतकाल बोलते हैं, जो बीत गया, जो गुजर गया। तो राम ने रावण को कब मारा था? तो ये आएगा काल में भूतकाल। मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण। असल मारा में क्रिया का कर्ता क्या हो गया? राम, ये हो गए क्रिया के कर्ता। अब यहाँ पर क्रिया क्या हो गई? रावण को मारा, मारना क्रिया हो गई। किसने मारा? राम ने मारा। तो यहाँ पर क्रिया के राम कौन हो गए? क्रिया के कर्ता, की उस क्रिया को करने वाला। और कर्म हो गया रावण, कि किसको मारा? रावण को मारा। तो कर्म वहां पर क्या हो गए? रावण। दूसरा उदाहरण है, मैं सवेरे उठा। मैं सवेरे उठा, उठा क्रिया अकर्मक, पुल्लिंग है, एक वचन है, वाच्य है और भूतकाल की। सवेरे उठा, उठा क्रिया का कर्ता मैं, कर्म उठा क्रिया हो गई कि मैं सुबह उठा। क्या है? क्रिया। और क्रिया का कर्ता कौन है? मैं, कि मैं सवेरे उठा। और यहाँ पर क्या है? एक वचन है। और लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। अब इसी तरह आगे हम देखेंगे अवयव शब्द का पद परिचय। अब इसमें पहला क्या है? क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण के भेद रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिणामवाचक। ये क्रिया विशेषण के भेद है। उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण में भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। इसमें भीतर शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। यह हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बैठी क्रिया के साथ स्थान की विशेषता। बैठना होगी क्रिया और कहाँ बैठी थी? भीतर बैठी थी, तो क्या हो गया? बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता। धीरे धीरे क्रिया विशेषण रीतिवाचक है। धीरे धीरे बच्चे में भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे क्रिया विशेषण रीतिवाचक है, पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता की। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वह कैसे कर रहे हैं? धीरे धीरे पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्रिया के रीति की विशेषता हो गई धीरे धीरे। अब है संबंध बोधक। संबंध बोधक के भेद किस संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित है? कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है के नीचे हो गया संबंध बोधक। कुर्सी के नीचे, तो के नीचे हो गया संबंध बोधक। बैठी तो है पर किसके नीचे? कुर्सी के नीचे। कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द हैं। कुर्सी और बिल्ली संबंधी शब्द। समुच्चय बोध तक हुए भेदों का उल्लेख, जुड़ने वाले पदों का उल्लेख। तुम कॉपी और किताब ले लो, लेकिन इसमें हम देखेंगे और शब्द है समुच्चय बोधक, समान अधिकरण, कॉपी किताब शब्दों का संबंध कराने वाला। तुम कॉपी और किताब दोनों ले लो पर फाड़ना नहीं। तो कॉपी और किताबों का संबंध कराने वाला कौन सा शब्द है? समुच्चय और शब्द। लेकिन ये भेद दर्शक शब्द, विरोध दर्शक है कि तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दो वाक्यों को जोड़ता है। चौथा है विस्मयादि बोधक, भेदों और भावों का उल्लेख। वाह कितना सुंदर बगीचा है, ठीक, मैं रोज आऊंगा। विस्मयादि, वाह क्या हो गया? विस्मयादि बोधक शब्द हो गया हर्ष और उल्लास, ठीक। विस्मयादि बोधक स्वीकार बोधक शब्द। तो विस्मय का हो गया वाह, आह, अरे, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। अब आप इसी में देखते हैं कुछ अतिरिक्त उदाहरण भी कि अपने गांव की मिट्टी छूने को मैं तरस गया। अब अपने में विशेषण हो गया, एक वचन हो गया पुल्लिंग है और इसकी विशेषता है गांव। गांव की यह संज्ञा हो गया जातिवाचक, एक वचन है पुल्लिंग है संबंध का। मिट्टी हो गया संज्ञा और मैं हो गया सर्वनाम, क्या होगा? उत्तम पुरुष का। यहाँ पर है एक वचन और पुल्लिंग, तरस गया क्रिया का करता है। तरस गया क्रिया यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, संयुक्त वाक्य है, भूतकाल का है। एक वचन कृतवाच्य और कर्ता हूँ। फिर है निर्धन लोगों की ईमानदारी को। निर्धन हो गया विशेषण, पूर्ववाचक हो गया और बहुवचन का है पुल्लिंग और विशेष लोगों। लोगों की संज्ञा है जातिवाचक, यहाँ बहुवचन है पुल्लिंग है और संबंध कारक कारक की। यहाँ पर यह है की शब्द जो है यह है संबंध कारक लोगों। फिर ईमानदारी या भाववाचक संज्ञा हो गया, यह कर्म कारक है। देखो क्रिया का